हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और अभी मैं आपको बताऊंगा कहाँ जा रहे हैं, तो लोकेशन में पहुँच के बताऊंगा। और यार अभी हमें लेट हो गया बहुत, तो अभी हम निकलते हैं। हाँ, अपना लगेज वगैरह यहाँ पे रेडी हो गया है और भाई ने गाड़ी बाहर पार्क कर दी है और हम भी निकलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुँचने वाले रास्ते में और साथ में आदमी आ गया, लेट इंडिया हमने आधा कार्ड नहीं डाल दिए और साइड में भाई बैठे हुए हैं और हम बस निकले हैं जस्ट। आज अभी थोड़ा लेट हो गया है, अभी मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में। 1 hour later तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम पहुँच चुके हैं स्कूटी और यार अभी हम जा रहे हैं टिकट्स वगैरह लेंगे यहाँ से वोल्वो की, उसके बाद फिर 5 बजे तक कहीं दिल्ली पहुँचेंगे जाके। और अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, वो मैं फिर आपको आज ही बताऊँगा थोड़ी देर में और मैं आपका भी दिखाता हूँ सामने। तो भाई लोग तो आगे चल रहे हैं लगेज लेके और मेरे पास भी एक लगेज है और मास्क वगैरह मेरे को लेना है यार, अभी लूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी बस अभी रास्ते में रुकी है 10-15 मिनट है, यहीं पर बस लंच वगैरह करना है या फिर वॉशरूम वगैरह जाना है, तो रुकी हूँ अभी और अभी मिनिमम 3 बजे तक पहुँचेंगे दिल्ली। उसके बाद फिर हमें जाना है कैब करेंगे, वैसे तो मैं अब कैब से। सो मैं आपको अभी बताऊँगा कि कहाँ जा रहे हैं वहाँ से और मैं आपको अपनी कोशिश बताऊँगा। और यार फिलहाल तो मैं अपने ब्लॉग इसी में अपलोड कर पा रहा था क्योंकि ना मेरे फ़ोन खो गया था और फिर जब भाई है इनका मैंने रिपेयर कराया खराब रखा था, तो फिर से यूज़ कर रहा हूँ और मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स आएंगे। वैसे तो अभी ब्रेकफास्ट में हल्का ही बहुत करा था और यार सबसे ज़्यादा लेट हो गया मैं आयन भाई की वजह से, वो अपना आधार कार्ड ही भूल गए थे यार। फिर उन्होंने रास्ते से जानने की भाई जाओ लेके आओ, हम लोग आ जाओ वापस छूट दे, फिर उनके वजह से थोड़ा लेट हो गया था, बट कोई नहीं, अभी हम रास्ते में ही हैं। और अभी यार 11 बजे हैं सुबह के, 12 बजे हम निकले थे और आज भी हम बैठे थे 8-9 बजे। फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं दिल्ली महाराणा प्रताप। हम चले थे सुबह 8 बजे आईएसबी से और अभी हम पहुंच चुके हैं, अभी बज रहे हैं 1 बजने वाले, मतलब मिनिमम हमें लग गया 5 घंटे कम से कम फिट। और यार अभी मैं आपको बताऊंगा नहीं हम कहां जा रहे हैं यहां से, वो तो आपको फिर जब पहुँच जाऊँगा तभी आपको लोकेशन दिख जाएगी सरप्राइज से। बाकी यार अभी अपने वो थोड़ा भूख में लग गया क्योंकि यार दिन में मतलब चीज वगैरह खा लेता आपको मैं अगर व्यू दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ज़्यादा गर्मी बहुत है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है, चल नहीं जा रही थी तेज मतलब हो गए यहाँ पे मिनिमम 48 डिग्री तो होगा। और अभी यार हम यहाँ वेट कर रहे हैं, हमें जाना है मेट्रो वहाँ से फिर जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो फाइनली फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट, मतलब फाइनल वेस्ट चेकिंग तो हो गई है बट जो फाइनल चेकआउट है वो अभी हुआ नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा मतलब वेट करना पड़ेगा। और नाइट में 10 PM की मेरी फ़्लाइट है यहाँ से एयर एशिया, तो साथ में था भाई और दोस्त मतलब आयल भैया, वो तो खैर चले गए अभी वॉशरूम, तो मैं यहीं बैठा हूँ और फोन में बैटरी कमी आई थी मेरा बहुत छूट निकल रहा। बाकी देखते हैं कहीं पर चार्जिंग पोर्ट तो और चार्जिंग पर लगाएंगे फ़ोन और अभी वेट कर रहे हैं उनका, दिखाता हूँ मैं ऐसे लोकेशन।
मैं आपको आप बता देता हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं गोवा, और वहाँ पे जा रहा हूँ भाई के पास घूमने, और हमारी नाइट में 10 PM फ्लाइट। बाकी तो मैं आपको बाकी थोड़ी देर में दिखाऊँगा यहाँ से बाहर का व्यू कैसा है। तो अभी मैं थोड़ी देर वेट करता हूँ यार, रेस्ट भी करना है, बहुत थक चुका हूँ। मैं वेट करता हूँ भाई, और काफ़ी खुश हो गई हम लोग। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, और अभी हमारी फ्लाइट है 8 PM। पहले लगा 10 PM, बट 8 PM अभी टिकट्स में देखा, और अभी हम यहाँ पे खेरे से घूम रहे टाइम पास, खा पी तो लिया थोड़ा बहुत, सब टाइम पास कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ दिल्ली दिखाता हूँ कैसा है। मैं यार घर पहुँच के इसे चार्ज करूँगा, और अभी नींद भी बहुत आ रही है, भाई पड़ गए।